बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास मैथ लेक्चर नंबर 40। जैसे कि आपको मालूम है, हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व किया था। ये दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन में सबसे अहम बात यह है कि यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन शो किया गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने पहले प्रॉपर बनाना होता है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो इम्प्रॉपर है। आपके सामने क्वेश्चन क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 2x + 3। ये स्टूडेंट ऊपर डिग्री 2 है, नीचे भी x1 और x1 को ऐड किया जाए तो ये प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो इसकी डिग्री भी 2 हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि इम्प्रॉपर की निशानी यही होती है, या तो नॉमिनेटर की डिग्री ग्रेटर होती है या नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की इक्वल होती है, तो इसलिए बराबर है। अब आइए इसे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, फैक्टर्स को। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, x² + 3x - 2x, मैंने 6 सिंप्लीफाई किया, x² + x - 6। आप देखें, नॉमिनेटर है x² + 2x + 1 और डिनोमिनेटर है x² + x - 6। इन दोनों की डिग्री इक्वल है, ऊपर भी पावर 2 है नीचे भी पावर 2 है, तो ये साबित हुआ कि ये इम्प्रॉपर है। अब इम्प्रॉपर को प्रॉपर कैसे बनाना है। ये स्टूडेंट, नॉमिनेटर के डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है, जैसे कि आपके सामने मैंने यहां डिवाइड किया है, x² + x - 6 ये डिवाइजर है और नॉमिनेटर की वैल्यू थी x² + 2x + 1। x² वन टाइम जाएगा, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करें, x² + x - 6, आपको पता है डिवीजन में साइन चेंज हो जाए, तो प्लस है माइनस, तो माइनस है वो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x किया कैंसिल गया, 6 में 1 ऐड करें तो 7, क्योंकि वहां डिग्री 2 है, यहां 1, तो आप इसे डिवाइड नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट, ये कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है। ये आपके सामने मैंने यहां लिखा है q + r/d। q का मतलब कोशेंट, r मतलब रिमाइंडर और d का मतलब डिवाइजर। कोशेंट हमारे पास 1 है, 1 लिखा, रिमाइंडर हमारे पास x + 7 है, 2 लिखा, डिवाइजर हमारे पास x² + x - 6 है। डियर स्टूडेंट, 1 + x + 7, क्योंकि ये जो x² + x - 6 है, इसे दोबारा फैक्टराइज करना है ताकि फैक्टर बनाए बना ले, तो ये दो फैक्टर ही बनेंगे, x - 2 और x + 3। डियर स्टूडेंट, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे जैसा कि पहले आपने सॉल्व किया है। इस 1 को नहीं छेड़ना और ये आपके सामने x + 7 / x - 2 x + 3 लेट किया आपने। जैसे कि आपको मालूम है, जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम कांस्टेंट टर्म से सिलेक्ट करते जाते हैं, सेपरेट करते जाते हैं। पहला फैक्टर x - 2 से a सेलेक्ट किया, दूसरा फैक्टर x + 3 से b सेलेक्ट किया, वही एलसीएम तरीका, x - 2 x + 3 एलसीएम है। इसे पूरी इक्वेशन से क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x + 7 बन जाएगा, फिर x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ x + 3 आ गया, फिर x + 3 से x + 3 कैंसिल हो जाएगा, तो b के साथ x - 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये आपके साथ इक्वेशन a बन गई। अब जैसा कि आपने देखा, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है, तो फिर जीरो मेथड अप्लाई करें। पहले रखा है x - 2, उसे जीरो के ऊपर रखा, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, तो 2 को वैल्यू में पुट कर दें, x की जगह 2 आ गया, प्लस 7, x की जगह 2 प्लस 3, x की जगह 2 माइनस 2, तो 2 और 7 9 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 0 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, वहां 5 को a से मल्टीप्लाई, 5 प्लस 0 0 ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 वहां मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू 9 और 5 आ गया। उसके बाद दूसरा फैक्टर है हमारे पास x + 3, तो x + 3 को आप 0 के इक्वल रखेंगे, प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यही माइनस 3, फिर दोबारा इक्वेशन ए में पुट करें, आपके सामने इक्वेशन ए में पुट करें, x की जगह -3 + 7 = a, x की जगह -3, वहां भी x की जगह -3, सी स्टूडेंट -3 को 7 से निकाले 4 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल 0 हो जाएगा, -3 को -2 में ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा, b के साथ मल्टीप्लाई करें तो -5 भी 0 हो, इसमें से माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4 = -5b। डियर स्टूडेंट, 5 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो
b putting the values of a and b in equation h, yani hum original equation h mein chalenge jahan a aur b ki value put karenge. Sabse pehle aap 1 likhiye jo aapne 1 alag kiya tha, is 1 ko likha plus a aur h minus 2 plus b aur x plus 3. 1 वैसे का वैसे है, a की जगह आपने 9 और 5 लिखा, 9 ऊपर 5 नीचे. इसी तरीके b की रकम आपने निकाली minus 4 और 5, minus 4 ऊपर 5 नीचे, x plus 3. अब क्योंकि बाहर plus है अंदर minus है, plus minus minus हो जाएगा, तो आपके सामने 1 plus 9 और 5 x minus 2 और minus 4 और 5 x plus 3. Dear student, ये आपके सामने मैंने exercise 4.1 को कंप्लीट किया. इसका क्वेश्चन नंबर 7 इंप्रॉपर फ्रैक्शन से मैंने किया है, उसे सॉल्व किया प्रॉपर करके. आठवां क्वेश्चन भी इंप्रॉपर है, तो इसलिए वो आठवां क्वेश्चन आप कोशिश करें कि पहले उसे प्रॉपर बनाएं. बाकी तरीका यही है जो क्वेश्चन 7 में मैंने आपको सिखाया.